फूड गोज़ ऑन ड्यू टू द इन द डिफरेंट प्रोसेस और फिर कैसे ब्रेक डाउन होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रियस का सो so, सिंस ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे तो ये सिंपली uh, ह्यूमन्स के बारे में पढ़ रहे नॉट एनी अदर ओके सो लेट्स वॉट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन मतलब हमारा डायजेशन जो है क्या है ठीक है सो बेसिकली आप देखते हो वेन एवर वी ईट फूड तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड होता है ठीक है सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड जो है वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस है उसके बाद हमारे बॉडी मीन्स स्टमक इंटेस्टाइन पैंक्रियाज लिवर बहुत सारे जूसेस बनाएंगे दैट मिक्स करके क्या करेगा ये सब हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है सो लेट्स सी व्हाट इज डाइजेशन सो डाइजेशन इज अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्या है ये डाइजेशन बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस सीरीज में मींस लाइन बाई लाइन आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस चलते हैं हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ठीक है सो बाईवे क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड जैसे आप रोटी चपाती वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम सब खाते हैं तो डायरेक्टली हमारा बॉडी उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता है सो तो हमारे बॉडी को या हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम डे विल वर्क ऑन उसके ऊपर काम करेगा उसके ब्रेक करेगा स्मॉलर पीसेज में एंड इस फॉर्म में बना देगा ताकि मीन्स उनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उसे एब्जॉर्ब कर सके ओके और फाइनली इट विल बी डिजॉल्व इन द ब्लड और कुछ ऐसा बनाए ताकि डायरेक्टली वो ब्लड में मिक्स हो जाए और हमारा बॉडी उसे यूज कर सके ठीक है सो इट इज कन्वर्टेड तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है बिगर बिगर पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ ऑफ फूड 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 कॉम्प्लेक्स मतलब पे जो आपके है ठीक है तो वो बिगर पार्टिकल्स अब में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पार्टिकल्स दैट मीन स्मॉलर सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे दैट स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक डाउन होकर फर्दर और भी ब्रेकिंग होगा एंड इतना छोटा ताकि हमारे स्मॉल uh, इंटेस्टाइन के जो विलाई है उसे एब्जॉर्ब कर सके ठीक है सो ऑलरेडी लास्ट पिछले वाले फोर्थ uh, लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हैविंग विलाई जो कि मोर एंड मोर एब्जॉर्बन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है ठीक है सो एब्जॉर्बेबल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करता है डाइजेशन के बाद हमारा फूड कुछ इस तरह से हो जाता है ताकि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन और फाइनली वो हमारे ब्लड में जाएगा ठीक है और कैसे होता है ये बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस कैसे होता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड जूसेस सो डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन द थ्री रीजन सो so, डाइजेशन का काम जो है हमारे बॉडी में वो तीन अलग अलग प्लेसेस पे होते पहला तो बकल कैविटी दैट मींस जैसे आपने फूड माउथ में लिया माउथ के इनर इंटीरियर पार्ट दैट इज़ द बकल कैविटी वहाँ पे डाइजेशन चलता है एंड यू नो हमारे माउथ में तीत होते हैं एंड टंग होते हैं ठीक है सो तीत क्या करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड में हेल्प करता है और टंग मिक्सिंग ऑफ द फूड विथ द सेइवा सो आपका टंग आपका तीत हेल्प करता है ताकि मोर एंड मोर द फूड गेट मिक्सज विथ सलाइवा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सलाइवा saliva में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है ठीक है दैट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन है वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है ठीक है, पर शुरू होता है दैट मीन्स कंप्लीट नहीं होता है आगे का कंप्लीट डायजेशन फॉरवर्ड दूसरे स्टमक इंटेस्टाइन ये सब में होगा ठीक है सो स्टार्टिंग आपका कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट जरूर माउथ में होता है पर एंड आगे के डिफरेंट ऑर्गन्स में होंगे सो फर्स्ट पार्ट बकल कैविटी में डायजेशन हो रहा है फिर स्टमक में भी होता है प्रोटीन का डायजेशन फिर इंटेस्टाइन में फाइनली हर चीज का डायजेशन कंप्लीट हो जाता है सो so, आप बोल सकते हो कि डाइजेशन के लिए जो uh, तीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डाइजेशन का काम चलता है बकल कैविटी स्टमक इंटेस्टाइन ओके सो द पाथवे एंड इंटेस्टाइन दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सो द पाथवे ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट बाई इंजेशन तो ये पूरा डाइजेशन का काम कैसे शुरू हो रहा है इंजेशन से शुरू हो रहा है दैट मीन्स टेकिंग इन फूड इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड और खत्म कैसे होता है बाईजेशन e ये आपने टेक इन किया मीन्स खाना खाया फूड खाया सो टेकिंग इन फूड दैट मीन इंजेशन से शुरू होके दैट रिमूवल ऑफ द वेस्ट सो आउट ऑफ द बॉडी वेस्ट वेस्ट के बाहर आने तक ये पूरा आपका पाथवे है डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेशन बोलो ठीक है सो लेट्स मोर स्टेप बाई स्टेप द फीडिंग एंड द डाइजेशन ठीक है डिफरेंट डिफरेंट डाइजेशन के मतलब जो भी डायजेशन है आपका माउथ से बगल कैविटी हो गया स्टमक में कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या किस इंजाइम्स के हेल्प से डाइजेशन होता है वी विल सी ही ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन डाइजेशन में सबसे पहला काम जो है पहला तो इंजेशन जब तक आप फूड खाओगे नहीं तो डाइजेशन का काम कैसे होगा सो इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन और योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो वर्क कर रहे हैं उनका सबसे पहला जो स्टेप है पहले तो फूड को लेना दैट इज इंजेशन सो वी आर टेकिंग द फूड इन द माउथ ठीक है माउथ में आप फूड लेते हो माउथ से फूड कहाँ जाता है बकल कैविटी में जाता है तीत उन्हें ब्रेक करता है च्यू करता है और उन्हें मैस्टिकेट कर देता है मीन्स मीन्स स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है ठीक है टंग हेल्प करता है टंग में टेस्ट बर्ड है उन्हें टेस्ट करने के लिए ठीक है और टेस्टिंग द फूड आप अच्छे से इजीली आप देखते हो टेस्ट बर्ड अगर ना हो तो हमारा फूड का टेस्ट हमें नहीं मिलेगा ठीक है नेक्स्ट इज डाइजेशन ठीक है इंजेक्शन मीन्स आपने फूड ले लिया अब आपके माउथ में जो कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सो डाइजेशन इन द माउथ एज बिकॉज ऑफ सेलिवरी ग्लैंड विच इज प्रोड्यूसिंग टाइलिन ऑल और सेलिवरी अमाइलेज सेलिवरी अमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो जो आपके माउथ में सेलिवरी ग्लैंड बनाता है वो हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ स्टार्च ठीक है जो मैंने जस्ट अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में शुरू हो जाता है तो क्यों होता है बिकॉज ऑफ दिस सेलेवरी अमाइलेज अगर माउथ में सेलेवरी अमाइलेज ना हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ठीक है सो योर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस टली बट मोर देन हाफ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टाइलिन दैट इज सेलेवरी अमाइले ठीक है और उसे ब्रेक करके मीन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को स्टार्च को वो ब्रेक करके मैल्टोज में बदल देता है हाउ इन दम ऑफ माल्टोज ओके सो एज यू कैन सी दीज थ्री आर द पेयर ऑफ योर सेलाइवरी ग्लैंड ये सेलाइवरी ग्लैंड का पेयर है जो कि सेलेवरी अमाइलेव बनाता है एंड योर टीथ your tongue together helps in mixing of the food and so on further आगे का प्रोसेस के लिए अब क्या होगा डाइजेशन तो आपके माउथ में हाफ ऑफ द uh, कार्बोहाइड्रेट को सेलिवरी या माइलेज ने ब्रेक कर दिया अब फूड कहाँ जाएगा माउथ के बगल कैविटी से अब कहाँ जाना है ईसो हेल्प करेगा उन्हें सो दैट इट एंटर योर स्टमक अब ईसो उन्हें हेल्प करेगा और ईसो में भी म्यूकस होता है Eesophagus, जो कि आपका फूड पाइप है उसके इनर लाइनिंग में भी म्यूकस बनते हैं क्या बनते हैं म्यूकस विच इज सब्सटेंस और वो क्या करता है इजिली फूड को स्लिप करके नीचे की तरफ स्टमक में भेजने का काम करता है ठीक है सो डाइजेशन अब फूड आपका स्टमक में आ गया तो डाइजेशन इन स्टमक हाउ डज इट टेक्स प्लेस कैसे सो फ्रॉम द फूड इट फ्रॉम द फूड पासस टू द स्टमक अब देखना स्टप, स्टमक क्या है स्टमक एक मस्कुलर बैग है ठीक है स्टमक एक मस्कुलर बैग है ठीक है स्टमक एक मस्कुलर बैग है जिसमें ईसोफेगस के थ्रू फूड आता है दैट मीन्स फूड एंड इज रिसीव्ड बाय योर स्टमक देन फूड इज चर्न बाय योर स्टमक चर्न मीन्स हमारे जो स्टमक के इनर वॉल्स है मस्कुलर वॉल्स है उनमें बहुत सारे इंटरनल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे फूड क्या होता है मिक्सअप हो जाता है ठीक है और फूड स्टोर भी रहता है आपके इसी स्टमक में ठीक है मिक्सिंग का काम चलता है और फिर आपके स्टमक के इंटीरियर वॉल्स जो है दैट इज गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं क्या बनाते हैं इंटीरियर वॉल गैस्ट्रिक जूसेस ठीक है juices, और फिर वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है हेल्प करता है फर्दर uh, डाइजेशन में और वो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स भी है और साथ ही साथ एसिड भी है दैट डाइजेस्टिव जूस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टमक इट इज बोथ द गैस्ट्रिक एंजाइम्स एंड एचसीएल मींस आपके इंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक क्या-क्या बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और गैस्ट्रिक एंजाइम्स बनाता है ठीक है सो व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा क्या करता है सबसे पहले तो सिंस वो एसिड है वो आपके स्टमक uh, को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा मींस आपके स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ा देगा क्योंकि वो खुद एसिड है एंड फाइनली uh, uh, क्या होगा दैट uh, हेल्प वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करेगा बैक्टीरियाज को किल करने में आपने जो फूड गंदे हाथों से हो सकता है खा लिया हो सो इन दैट वे वॉट विल हैपन कि एच उस जितने भी बैक्टीरिया बाई मिस्टेक किसी भी तरह अगर आपके बॉडी में एंटर कर गया है डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू माउथ के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें किल करेगा ठीक है अब देखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और भी रोल है ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है आपके बॉडी में मीन्स आपके स्टमक में एक सब्सटेंस है पेप्सिनोजेन ठीक है आपके स्टमक में एक सब्सटेंस ठीक है पेप्सिनोजेन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है ठीक है दैट मीन्स आपके स्टमक के इंटीरियर वॉल्स पेप्सिनोजेन बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें पेप्सिन में कन्वर्ट करता है सो so, क्या जरूरत है इसे पेप्सिन में कन्वर्ट करने की बिकॉज ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है ठीक है इन एक्टिव मीन्स एक्टिव फॉर्म में नहीं है बट ये पेप्सिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है ठीक है नाओ आगे ये पेप्सिन और भी प्रोटीन के डायजेशन में हेल्प करेगा सो लेट्स सी दिस पेप्सिन है क्या ये पेप्सिन पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव था वो बन गया अब क्या पेप्सिन किसके हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक के हेल्प से सो so, पेप्सिन क्या है इट इज एन एंजाइम्स और इसका रोल है ब्रेक डाउन करना प्रोटीन को इनटू टू एंड पेप्टोन सो so, प्रोटीन क्या है आपके पेप्सिन जो कि एसिडिक फ्लूइड है इसके हेल्प से एसिडिक एंजाइम्स uh, है सो so, इसके हेल्प से प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन में बदलता है दैट मींस प्रोटीन ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ठीक है कंप्लीटली अभी भी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है लेकिन प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स uh, में बदल गया है ठीक है सो और भी एचसीएल क्या करता है अब प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है अगेन ये प्रो रेनिन भी आपके स्टमक uh, में होता है ठीक है और ये इनएक्टिव फॉर्म में है इसे भी एक्टिवेट करके रेनिन बना देता है पहले तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया इसी एचसीएल ने फिर इसी प्रो रेनिन को अब रेनिन में कन्वर्ट करेगा यही एच ठीक है सो फाइनली रेनिन अब रेनिन क्या करेगा दिस रेनिन विल कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन स आप वेन एवर वी आर टेकिंग डाइट में खाने में आप देखना दूध पीते हो सो so उसमें जो भी केसिन होता है उसे ब्रेक करता है तो रेनिन ठीक है रेनिन का क्या काम है रेनिन आपकी uh, जो भी डाइट में आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हो उसमें जो केसिन होता है उन्हें ब्रेक करके पैरा केसिन बनाता है ठीक है सो वॉट हैपन अगेन केसिन इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड पैरा केसिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म ये एक्टिव फॉर्म में है ठीक है ऑलरेडी जो मिल्क में केसिन प्रेजेंट है वो थोड़ा सा इनएक्टिव है मींस वो वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं है जैसे ही उसमें रेनिन मिलता है वो मिक्स होके पैरा केसिन बनाता है वो जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है अब आगे का डाइजेशन कंप्लीट होगा सो so, रेनिन अगेन प्रोवाइड एसिडिक मीडियम ठीक है तो स्टमक में ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स आपके रहेंगे वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे ताकि अच्छे से डाइजेशन का, का काम चलता रहे ठीक है सो पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक दैट मीन्स स्टमक में आधा आधा फिफ्टी फिफ्टी डाइजेशन हो जाता है ठीक so, uh, 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 है सो यू कैन से फिफ्टी फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट डाइजेशन टेक प्लेस इन योर स्टमक एंड फाइनली वॉट हैपन जैसे कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है म्यूकस है गैस्ट्रिक एंजाइम्स है ठीक है पेप्सिन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेनिन ये सारे मिलके आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है एक सेमी एक सेमी सॉलिड पेस्ट पेस्ट ठीक है टाइप के सब्सटेंस बनते हैं जिसको आप बोल सकते हो काइम ठीक है जो सब्सटेंस मिक्स होके बनता है दैट इज काइम ठीक है सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट अभी फाइनली क्या हुआ आपके स्टमक ने रेनिन पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक म्यूकस गैस्ट्रिक एंजाइम सबको मिक्स कर दिया है आपके फूड के साथ और बनाया है काइम ठीक है विच इज़ अ पेस्ट लाइक सब्सटेंस अब ये सब स्टमक से होके अब कहाँ जाएगा आपके इंटेस्टाइन में ठीक है सिंस हम लोग डाइजेशन का ये स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो अब डाइजेशन भी होगा इंटेस्टाइन में ठीक है फूड अगर स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है तो इंटेस्टाइन व्हाट विल दे डू वो डाइजेशन करेगा ठीक है जो पार्ट स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए है जो सबसे स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो हो पाया है वो सब आगे अब आग इंटेस्टाइन करेगा ठीक है सो इन द इंटेस्टाइन व्हाट हैपन द फूड इज डाइजेस्टेड भी और एब्जॉर्ब भी डाइजेशन भी होगा एब्जॉर्बन भी होगा कंप्लीटली ठीक है सो बार बार याद रखोगे कि कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब देखो एज यू कैन सी दिस इज योर ईसोफेगस पार्ट इससे आपका स्टमक कनेक्टेड हो गया है ठीक है स्टमक में आ गया था फूड अभी हमने पढ़ा कि स्टमक से कहाँ आना है एज यू कैन सी दिस पिंक वन विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन अब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ठीक है सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड मिक्सस विथ बाइल अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एसिड्स आएंगे या कौन कौन ग्लैंड्स uh, अपना सिक्रीशन यहाँ पोर करेगा तो सबसे पहले बाइल जूस विल कम ठीक है बाइल जूस आएगा इसी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद आएगा पैंक्रिएटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज पैंक्रियाज भीटिक जूस को भेजेगा यहाँ पे लिवर आपका बाइल जूस को भेजेगा ठीक है सो फाइनली एंड खुद इंटेस्टाइन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस भी बनाता है ठीक है सो so इसके इनर वॉल से इंटेस्टाइनल ओके सो इंटेस्टाइनल जूस इज बीन सीक्रेटेड बाई द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है अब देखना इन ड्यूडेनम तो पहले सबसे पहला पार्ट आपका जो स्टमक और इंटेस्टाइन का कनेक्शन है पहला पार्ट है दैट इज ड्यूडेनम तो इट एक्ट अपन बाइल तो यहां पर क्या होता है बाइल आया ठीक है पैंक्रिएटिक जूस भी आया इंटेस्टाइनल जूस भी आया एंड सीस दी सीक्रीशन ये तीनों बाइल पैंक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल दीज जूसेस आर एल्केलाइन स्टमक में हमने पढ़ा था कि स्टमक में जो भी म्यूकस है पेप्सिन है ये सब एसिडिक है और यहाँ पे आप देखोगे जो आपका बाइल है पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइनल जूस है ये सारे आपके एल्केलाइन फॉर्म में है ठीक है ये क्या है एल्केलाइन फॉर्म सो so, यूसी पैंक्रिएटिक जूस बाइल जूस इंटेस्टाइनल जूस ठीक है ये सारे एल्केलाइन फॉर्म में होंगे स्टमक वाले सारे एसिडिक थे ठीक है स्टैटिक स्टमक में जो सिक्रीशन था वो एसिडिक था और बाइल अल्कलाइन ठीक है अब क्या करेगा ऑलरेडी स्टमक में एसिड है और यहां पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्केली है तो दोनों मिक्स करके क्या न्यूट्रलाइज कर देगा मींस एसिडिक एक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा सो सिंस दीज सिक्रीशन आर एल्केलाइन द एसिडिटी जो ऑलरेडी आपके स्टमक से काइम पेस्ट लाइक सब्सटेंस आया था उसे अब न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा दिस थ्री इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक एंड बाइल जूसेस ठीक है अब उसे न्यूट्रलाइज करके एंड पेप्सिन इज इनएक्टिवेटेड अब पेप्सिन जो कि आपका एसिडिक मीडियम था ठीक है पेप्सिन रेनिन ये सब एसिडिक फॉर्म में था अब उसे भी इनएक्टिवेट कर देगा मींस अब पेप्सिन काम नहीं करेगा सिंस उसे एसिडिक मीडियम uh, में होना था और यहाँ अभी न्यूट्रलाइज हो गया सारा सब्सटेंस जो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो न्यूट्रल हो गया है तो पेप्सिन अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा ठीक है सो उसके बाद क्या आता है बाइल अब बाइल क्या करेगा ड्यूडेनम में सिंस हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं और ये भी मैंने बोला कि बाइल जूस पैंक्रिएटिक आपके ड्यूडेनम में आएगा तो so, अब बाइल क्या करेगा सो so, बाइल सबसे पहले तो देखो कि बाइल है क्या इट इज लिटिल बेट येलोइ एंड ग्रीनिश इन कलर ठीक है येलो ग्रीन और वाइट इट इज वॉटरी फ्लूड वॉटरी है ठीक है नॉर्मली समटाइम इट दैट के वेन यू ईट फूड ओवर ईटिंग हो जाता है तो क्या होता है एक्सेस ऑफ द फूड इफ यू हैव ईटन या डाइजेशन नहीं हुआ है फाइनली वॉट हैपन आपके स्टमक से फूड वापस आ जाते हैं ईसोफेगस के थ्रू बाहर दैट इज़ नोन एज वॉमिटिंग कंडीशन सो यू सी कि जो आपने फूड खाया है इट इज़ नॉट सिमिलर टू दैट ठीक है क्यों सिमिलर नहीं और उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ एसिड्स एंड एल्के्कलीज इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन ठीक है तो नॉर्मली इंटेस्टाइन से नहीं बल्कि आपके स्टमक से फूड वापस आ जाता है क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पाया सो इट इज़ एसिडिक इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिफरेंट डिफरेंट पेप्सिन रेनिन जो कि आपके स्टमक में है उनके वजह से टेस्ट बिल्कुल हमारा खराब हो जाता है माउथ का आफ्टर वॉमिटिंग सो बाइल इज वॉट येलोइश एंड ग्रीनिश इन कलर ठीक है थोड़ा येलो और ग्रीन का मिक्सचर है वॉटरी है ठीक है सॉलिड बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि बाइल जूस है तो इट इज़ वॉटरी फ्लूड है एंड बाइल को बनाता कौन है लिवर स्टोर कौन करता है गॉल ब्लैडर ठीक है सो इट इज प्रोड्यूस इन द लिवर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बाइल डक्ट डू दूडेनम तो ड्यूडेनम में कौन लेके आता है बाइल डक्ट ठीक है सो so, बाइल में दो तरह की चीजें प्रेजेंट होती है वन इज बाइल पिगमेंट एंड द अनदर वन इज बाइल सॉल्ट तो हमारे बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट है बाइल पिगमेंट एंड बाइल सोल्ट सो बाइल सॉल्ट का पता है क्या काम है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑयल और द फैटी थिंग्स जो आप खाते हो जो आप फैट ऑयली चीजें खाते हो तो उसको ब्रेक करने का काम इसी बाइल सॉल्ट का है ठीक है सो बाइल सॉल्ट जो कि बाइल जूस में है वो क्या करेगा आपके फूड पार्टिकल्स में जितने भी ऑयली चीज आप खाए हो उसे ब्रेक करेगा ठीक है और ब्रेक करने के बाद उन्हें बिल्कुल स्मॉलर ग्लोब्यूल्स मीन स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करेगा और एक मिल्की टाइप का सब्सटेंस बनेगा दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन उस मिल्की सब्सटेंस को क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है और जो सब्सटेंस बन के रेडी होगा दैट इज इमल्सिफाइड फैट्स ठीक है दैट मीन्स के दिस इमल्सिफाइड फैट्स विल फर्दर लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ द फैट्स वो फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगा घी बटर चीज ऑयली थिंग्स जो आप खाते हो उसे ब्रेक करेगा सो नॉर्मली फैट्स क्या है जो भी आपने खाया फैटी थिंग्स ठीक है घी बटर बाइल इसे ब्रेक करेगा और इमल्सिफाइड फैट्स बना देगा दैट मीन्स इमल्सिफाइड बोलो फैट्स uh, के स्मॉलर पीसेस है ठीक है अब देखना एसिडिक काइम जो कि आपके स्टमक से आया था एसिडिक काइम उसे भी बाइल जूस क्या करेगा एल्केलाइन बना देगा क्यों? क्योंकि बाइल जूस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो कि आपके फूड स्टमक से आए हुए एसिडिक सब मिक्सचर जो काइम है उसे एल्केलाइन में बदलता है तो यही बाइल उसे कन्वर्ट करके एल्केलाइन मीडियम मीन्स एल्कलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है ओके सो आफ्टर दैट अब देखो कि बाइल जूस तो अपना काम कर गया ठीक है उसने जो हमारे पेस्ट लाइक काइम था उसे अल्कलाइन फॉर्म में बदल दिया अब सिंस देखोगे ड्यूडेनम में पैंक्रिएटिक जूस भी तो आ रहा है तो पैंक्रियाज का, का जो पैंक्रिएटिक जूस है अब पैंक्रिएटिक जूस क्या रोल प्ले करेगा ठीक है उसके क्या रोल होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में सो पैंक्रिएटिक जूस सिंस इट इज प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज ठीक है वो क्या होगा इट विल डायरेक्टली कम टू योर ड्यूडेनम एंड पोर देयर सिक्रिशन तो क्या होगा कि यहां से पैंक्रिएटिक जूस बना और वो आपके दिस ड्यूडेनम पार्ट ये पार्ट है ड्यूडेनम का ठीक है सो ड्यूडेनम में डायरेक्टली अपने पैंक्रिएटिक जूस को दिस पैंक्रियाज विल पुट ठीक है अपने पैंक्रिएटिक जूस को डायरेक्टली ड्यूडेनम में वो पास ऑन करेगा ठीक है अब देखना आपके पूरे पैंक्रियाज विल कंटेन पैंक्रिएटिक जूस ठीक है और उस पैंक्रिएटिक जूस में चार तरह के एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज ने जो पैंक्रिएटिक जूस डिओडनम को दिया उसमें भी एक नहीं बल्कि चार तरह के एंजाइम्स होंगे ठीक है पोर दीज आर एंजाइम्स सो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज एंड लाइपेज ये सब क्या है These are enzymes which are present in the pancreatic juice. तो so सिंपल जो हम लोग एक पैंक्रेटिक जूस बोल देते हैं उसके अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनका भी अलग अलग रोल है ठीक है सो सबसे पहला ट्रिप्सिन एज यू कैन सी ट्रिप्सिन ये क्या करता है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ठीक है ट्रिप्सिन विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड कन्वर्ट दम इन टू एसिड्स सो वॉट हैपन दिस विल कन्वर्ट इट कन्वर्ट द प्रोटीन प्रोटीन को तोड़ के उसे और स्मॉलर पीसेस में और आप पॉलीपेप्टाइड्स भी बोल सकते हो उसमें कन्वर्ट करता है सो ट्रिप्सिन इज देयर और ट्रिप्सिन सिंस ये स्मॉल इंटसाइन में जितने भी uh, सिक्रिशंस है ये एल्केलाइन होते हैं सो प्रोटीन को ब्रेक करके पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा क्या करेगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करेगा सो यू कैन सी यहाँ ये बाइल डक था यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जो कि लिवर ने अपने गॉल बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर किया और बाइल डक्ट उसे लेके आके ड्यूडिनम तक पोर करता है ठीक है पहुंचाता है सो आफ्टर दैट लेट्स सी कि ये काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा काइमोट्रिप्सिन क्या है ये एक्टिवेटेड एंजाइम है ये भी एक एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है ठीक है और ये सारे प्रोटीन नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन पे एक्ट करके ठीक है उन्हें एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में अगेन ब्रेक करता है इससे पहले भी हमने देखा कि ट्रिप्सिन दे ब्रेक द प्रोटीन इन टू एंड दिस ये भी करेगा वही लेकिन ये कुछ स्पेशल प्रोटीन पे एक्ट करके उन्हें बनाता है अब देखो अमाइलेज ठीक है जैसे कि हमने पढ़ा सेलिवरी अमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ और वो हमारे शुगर और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके मैल्टोज में बदलता है तो पैंक्रिएटिक जूस में भी अमाइलेज होता है ठीक है पैंक्रिएटिक जूस में भी अमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो उसका रोल भी यही बिल्कुल सेम देखो जो सेलाइवरी अमाइलेज थे और ये ओनली अमाइलेज वो था सेम तो इनका भी काम है स्टार्च और शुगर को ब्रेक करके माल्टोज में बदलना ठीक है नेक्स्ट और एक एंजाइम जो लास्ट वन हमने देखा जो पैंक्रियाज में होता है इट इज लाइपेज लाइपेज क्या करता है फैट्स को ब्रेक करता है और फैट्स को किसमें बदलता है फैटी एसिड प्लस प्लस ठीक है ऐड कर लो फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल दोनों में बांट देता है किसको इमल्सिफाइड फैट्स ऑलरेडी ये थोड़ा सा ब्रोकन डाउन पार्ट में है फैट्स ऑलरेडी इमल्सिफाइड हो गया है ठीक है बाइल जूस के वजह से लेकिन लाइपेज और आगे इन्हें तोड़ने का काम करेगा और फैटी एसिड प्लस क्लाइसेरो में बदल देगा ठीक ठीक है सो लेट्स सी ये काम आपका पैंक्रिएटिक जूस ने किया उससे पहले हमने देखा था बाइल जूस ने भी बहुत सारे रोल प्ले किए थे ठीक है सो नाउ सी व्हाट अबाउट द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ठीक है इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है अब ये क्या करेगा सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे इंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस जो हम बोल रहे हैं उसमें बहुत सारे और भी इंजाइम्स होते हैं ठीक है थीके? इसी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स है सो वॉट आर दैट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमनली नोन दैट इज एरेप्सिन ठीक है पहला है एरेप्सिन और आगे भी है बहुत सारे मैल्टेज सुक्रेज लैक्टेज लाइपेज एंजाइम्स ठीक है ठीक so है थीके? ये इंटेस्टाइन देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरफ है मिडिल में और लार्ज इंटेस्टाइन उसे एक बाउंड्री या सराउंडिंग प्रोवाइड कर रहा है सो so इसी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारे

प्रोटीन के ही पार्ट से पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स हमने देखा तो पॉलीपेप्टाइड्स और यू कैन से ओनली पेप्टाइड्स वो था सेम सो पेप्टाइड्स को और आगे फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम इसी एरिप्सिन का है ठीक है उसके बाद देखना माल्टेज माल्टेज ये भी इंटेस्टाइनल अमाइलेज ठीक है ये क्या है माल्टेज जो है ये भी इंटेस्टाइन में बनता है और ये अमाइलेज का कॉम्बिनेशन होता है इसमें और इसका काम है सिंस नाम देख रहे हो अमाइलेज तो ये क्या करेगा ये कन्वर्ट करेगा मेल्टोस को ठीक है जो कि देखना कार्बोहाइड्रेट ये सारे ब्रेक करके किसमें में माल्टोज में बदलते हैं सो so, वो माल्टोज जो है अब आगे फर्दर ब्रेक होगा और माल्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में बदलेगा क्योंकि डायरेक्टली माल्टोज या माल्टेज ये सब हमारा बॉडी यूज़ नहीं कर सकता ब्लड में प्रॉपरली दे के नॉट बी यूटिलाइज बाई दैट सो उसे कन्वर्ट होना है ग्लूकोज में हु विल डू माल्टेस जो है वो माल्टोज शुगर को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदल देगा और फाइनली अब यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाने केपेबल है ठीक है सो अब फाइनली ये हमारे बॉडी एब्सॉर्ब कर सकते हैं अब देखो सुक्रेज भी हमने पढ़ा वो भी इंजाइम्स है ठीक है सुक्रेज क्या है इट्स एक्ट ऑन शुगर केन शुगर चीनी जो हम लोग खाते हैं उसे ब्रेक करने का काम करता है और इसे इसे भी कन्वर्ट करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टे प्रुक्टोज में बदलता है ठीक है तो सुक्रेज वॉट इज दैट दैट इज ब्रोकन डाउन बाई सुक्रोज एंड इट कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ठीक है तो सुक्रेज किस में ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलता है अब देखना लैक्टेज वॉट इज दैट वो मिल्क शुगर में प्रेजेंट होता है मिल्क में भी शुगर होता है दैट इज नोन एज लैक्टोज तो लैक्टेज उस पर एक्ट करेगा मिल्क में जो शुगर है उसको तोड़ने का काम करेगा लैक्टेज फिर केन शुगर चीनी में जो शुगर है उन्हें शुक्रेज ब्रेक करेगा ठीक है सो फाइनली यू सी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विल बी प्रोड्यूस्ड सो इसके बाद देखना कि हमने देखा कि हाउ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंट डिफरेंट पाथ में प्रोटीन uh, का डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया एंड बाय दिस टाइम अब एट द एंड मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन जूस इंटेस्टाइनल जूस भी मिक्स होके आपके फूड को ब्रेक कर दिया एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड जो है इट विल बी एब्सॉर्ब बाय योर ब्लड ठीक है वो काइल फॉर्म में होता है ठीक है दैट इज लिक्विड फॉर्म दैट इज काइल एंड इट विल बी एब्सॉर्ब एंड द रेस्ट ऑल पार्ट विल मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है सो so, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है डाइजेशन का काम तो ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है डाइजेशन का काम ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट है एबजॉर्बेशन भी कंप्लीट है बट लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर्स वो लार्ज इंटेस्टाइन अब एब्सॉर्ब करेगा सो द फूड इज फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पास होके कहा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई डाइजेशन का काम अब नहीं बचा है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा काम कर लिया है अब आता है एब्जॉर्बशन ऑफ फूड ठीक है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन सो इंटेस्टाइनल लाइनिंग सा प्रोवाइड पढ़ा है हमने विलाई होता है हमारे इंटेस्टाइन में और जितने ज़्यादा विलाई होंगे उतना ज़्यादा सर्फेस एरिया बढ़ेगा हमारे इंटेस्टाइन का और उतने ज़्यादा एब्जॉर्बशंस होंगे न्यूट्रियट्स के ठीक है सो ईच विलाई इज सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज जो हमारे विलाई है ठीक है एज यू कैन सी इस तरह से फिंगर लाइक -like बना सकते हो ठीक है so, सो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं ब्लड कैपिलरीज होते हैं ठीक है थीके? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और इधर सीलिया भी प्रेजेंट होता है हेयर लाइक सब्सटेंस ठीक है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख पा रहे हो ठीक है सो इन विलाई मोनोसेकराइड्स पेप्टीडेज अमीनो एसिड ऑल आर एब्जॉर्ब मीन्स हमारे फूड का जो भी सेकराइड्स पार्ट है मीन्स जो ग्लूकोज फॉर्म में ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज सब मोनोसेकोराइड्स एंड पेप्टाइड्स ठीक है प्रोटीन के जो ब्रेक डाउन हो गए हैं एमिनो एसिड्स दीज आर एब्जॉर्ब बाई ओनली सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से विलाई इन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दे देगा तो आपके विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है ठीक है एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड अब ये ब्लड वेसल्स किससे जुड़े हुए हैं ब्लड कैपिलरीज जो है ये अब वेन्स और आर्टरीज एंड ऑल के थ्रू आपके ब्लड में मिक्स हो जाएंगे ओके एंड फैटी एसिड जो है एंड ग्लाइसरॉल वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड विटामिन आर ऑल्सो एब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन तो प्रोटीन शुगर ये तो एब्जॉर्ब हो ही गया फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन ने फैट्स को ग्लाइसरॉल को वाटर को ये सब चीजों को भी एब्जॉर्ब किया है ठीक है सो विटामिन मिनरल्स एवरीथिंग विल बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट में देखना एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन वॉट इज दिस एसिमिलेशन ऑफ फूड इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन तो जो आपका न्यूट्रिय एब्जॉर्ब uh, हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब उसका यूटिलाइजेशन भी करना है पूरे हमारे बॉडी में उसका यूज भी होगा सो दैट इज डन एंड द फूड मटेरियल विच इज़ बीन एब्जॉर्ब्ड आर यूटिलाइज और वो यूटिलाइज होगा तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हमारे बॉडी में तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा वर्क करने के लिए ठीक है किसी भी काम करने को जो आपको एनर्जी मिलता है इसी फूड प्रोडक्ट्स जो आप खाते हो उसी सबसे मिलता है इनडायरेक्टली आफ्टर डाइजेशन अब फाइनली जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो सब तो चला गया उन्हें बॉडी यूज करेगा अब जो वेस्ट है दैट मींस जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आया अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में कलेक्ट हो गया है फाइनली इट विल पास टू द एज यू सी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आया अब कोलोन जितने से जितने एक्स्ट्रा वाटर सबको एबजॉर्ब करेगा ठीक है एंड रिमेनिंग मटेरियल जो है कॉम्पैक्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड होगा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में रेक्टम में और कॉम्पैक्ट और सॉलिडिफाई होने का प्रोसेस होगा और फाइनली इट विल फॉर्म पीसेस ठीक है जो ह्यूमन वेस्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द रेक्टम टेम्परली आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव आउट और इजेस्टेड इजेशन होगा ठीक है थ्रू एनएस सो इन दीज स्टेप्स वी हैव सीन दैट हाउ The digestion of the different nutrients takes place in our uh, whole digestive tract. That means from the mouth to anus, mouth may, up case, stomach may, intestine, that means small intestine may. How the digestion process continues, so we have covered up in this lecture of life process nutrition. Okay, so thank you for uh, watching.